अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी 2 का इल्मे लिसानियात की क्लास करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता क्लासों में भी मैंने इस पर बहस की कि उर्दू ज़बान की तारीख और हिंद आर्यी ज़बानों की तारीख पेश कर रहा था। कदीम हिंद आर्यी और वस्ती हिंद आर्यी के बारे में गुज़िश्ता क्लास में हमने जाना। आज के क्लास में हम सबसे अहम दौर जदीद हिंद आर्यी के बारे में जानेंगे। जदीद हिंद आर्यी का आगाज 1000 ईस्वी से होता है। ये वो दौर है जब शुमाली हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म की सियासी, तहजीबी और लिसानी तब्दीलियां जहूर पजीर होती हैं, जिसका असर बराह रास्त जबान पर पड़ता है। उर्दू जबान तेजी के साथ अपना चोला बदलती है। इस तरह 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश जो है खत्म हो जाती है और उनकी जगह जदीद हिंद आर्यी जबाने ले लेती हैं, और यही जबाने मियारी बनने के बाद एक नुमाया शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये बात कहना मुश्किल है कि हिंद आर्यी जबाने किस सन से शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 1000 ईस्वी जदीद हिंद आर्यी का आगाज का जमाना माना जाता है। ग्यारहवीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला हुआ। उसके अलावा मुसलमान फातहीन हिंदुस्तान में दाखिल हुए। इस्लामी तहजीब, माशरत और मुसलमान फातहीन की जबानों का इख्तलात यहाँ के मकामी तहजीब व तमद्दुन और जबानों से होने लगा, जिससे जदीद हिंद आर्यी के इर्तिका में काफ़ी मदद मिली। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी किताब इंडो एरियन और एंड हिंदी में लिखा है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में फतूहात हासिल न करते तब भी जदीद हिंद आर्यी जबानें पैदा होती, लेकिन उन्हें जो संजीदा अदबी हैसियत हासिल हो गई है उसमें ज़रूर देर होती। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान के अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद के साथ एक नया तमद्दुन, एक नई जबान की आमद हुई। उन्होंने मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद के साथ एक नया तमद्दुन और एक नई जबान की आमद हुई। उन्होंने संस्कृत के फुसूक को तोड़कर बहुत जल्द हिंदुस्तान की नई जबान को अपने बल पर खड़ा होना सिखाया। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है, इसीलिए जब हिंद आर्यी जबान मुख्तलिफ कौमों से उसका रब्त बढ़ा तो बहुत सी जबानों और तहजीबों का इम्तिजाज वाज़ेह नजर आने लगा। उनमें अलग अलग लिसानी खसूसियात जाहिर होने लगी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने उनके लिसानी खसूसियात के पेश नज़र जदीद हिंद आर्यी जबानों को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया, जैसे सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मगरबी हिंदी और मशरकी हिंदी। सिंधी ये सूबे सिंध की जबान है, इसके बोलने वालों की तादाद में मुसलमान ज़्यादा है। इसमें इस जबान में अरबी और फारसी अल्फाज कसरत से मिलते हैं। लहंदा ये भी मगरबी पंजाब की जबान है, और पंजाबी जो है ये मगरब में या लहंदा या मगरबी पंजाबी शुमाल और शुमाल मशरक में पहाड़ी जबानों और जुनूब में बेकानेरी बोलियों से घिरी हुई है। और गुजराती ये गुजरात का काठियावाड़ में बोले जाने वाली जबान है। राजस्थानी ये मध्य प्रदेश की जबान है, ये शोर से नहीं अपभ्रंश से निकली है। मगरबी हिंदी और मशरकी हिंदी ये दो बोलियां जदीद हिंद आर्यी की सबसे अहम जबानें हैं। ग्रेरसन ने मध्य प्रदेश की जबान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है। सबसे पहले मशरकी और मगरबी हिंदी में फ़र्क किया है। मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक शोर से नहीं अपभ्रंश से है, और मगरबी हिंदी की बोलियों में 5 अहम बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रिज भाषा है।
उर्दू का सिलसिला भी इन्हीं मगरबी बोलियों से मिलता है, इसलिए मगरबी हिंदी की इन बोलियों के बारे में आगे तफसील से इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। मशरकी हिंदी में मगधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां शामिल है। अवध यानी लखनऊ में फैजाबाद और इलाहाबाद में बोली जाती थी। इसका अदब किसी जमाने में बहुत वकी था। इस जमाने में उस बोली की हैसियत जबान की थी। उसमें जायसी की पद्मावत और तुलसीदास की रामचरितमानस यानी रामायण जैसे शाहकार किताबें मिलती हैं। बघेली बुंदेलखंड की बोली है। छत्तीसगढ़ी मशरकी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बोली है। इस पर मराठी का और उड़िया का कुछ असर है। मशरकी हिंदी बोलने वालों की तहजीबी जबान हिंदी है। छत्तीसगढ़ी मशरकी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बोली है। इस पर मराठी का और उड़िया का जो असर है। मशरकी हिंदी बोली बोलने वालों की तहजीबी जबान हिंदी है। मगधी से ताल्लुक रखने वाली जबानों में आसामी, बंगाली और उड़िया शामिल है। उड़िया हिंदुस्तान की अहम जबानों में शामिल की जाती है, जिसमें मराठी अल्फाज कसरत से मिलते हैं। आंध्र प्रदेश से कुर्बत की वजह से तेलुगु अल्फाज भी दाखिल हो गए हैं। उड़िया की कवायद बंगाली से बहुत मिलती जुलती है। मगधी से बिहारी जबान का भी इर्तिका हुआ। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन का ख्याल है कि बिहारी बजाते खुद कोई जबान नहीं, बल्कि ये तीन जबानों यानी मैथिली, मगही और भोजपुरी का इलाका है, मजमुआ है। बिहार में तीन रसूल खत राइज है, जिसकी लिखाई छपाई देवनागरी में होती है। आम तहरीरों में कैथी रसूल खत अपनाया जाता है। बंगला मगधी अपभ्रंश की खास जानशीन है। अदबी एतबार से हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जबानों में इसका मकाम बहुत बुलंद है। बंगला का उड़िया पर बड़ा असर है। बंगला में सीन का तलफुज शीन से होता है, जैसे हम लोग रसगुल्ला कहते हैं तो वो रसगुल्ला कहते हैं, और अलिफ को मुख्तसर करके ऊ से बदल दिया जाता है। इसकी अरबी जबान संस्कृत से बहुत करीब है। तो ये मशरकी हिंदी की बोलियां हैं, जिसमें आपने देखा कि बंगला, उड़िया, मगधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जबानें मशरकी हिंदी में बोली जाती थी। इसके बाद जदीद हिंद आ गए। जबानों की जो आम बोलियां थी वो मगरबी हिंदी थी, जिसमें पांच बोलियां खड़ी बोली, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा वगैरह थी। इन्हीं से उर्दू के सिलसिले मिलते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जदीद हिंद आर्यी जबानों की मगरबी हिंदी की तमाम बोलियों पर बहस करेंगे। इसके लिए आप अगले वीडियो से रब्त बनाए रखें।